For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, वेलकम टू अवर चैनल JPS Academy। यदि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के व्यवसाय के साथ में जुड़े हैं और आपके पास वैलिड इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर है तो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत हर एक इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को अपना IEC अप्रैल से जून महीने तक में ऑनलाइन अपडेट करना रहेगा। हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए कैसे आपका IEC सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपडेट किया जाए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हाजिर है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा www.dgft.gov.in। यदि आप रजिस्टर्ड यूजर DGFT की वेबसाइट पे नहीं है तो सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका पिन कोड, आपका स्टेट और सिटी का नाम लिखना रहेगा एंड आपको उसके बाद में एक कैप्चा कोड के साथ में OTP भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर। रजिस्टर्ड मोबाइल से आप वन टाइम पासवर्ड डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में आपको ऑनलाइन लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद यदि आपका IEC आपके प्रोफाइल के साथ में लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको आपका IEC आपके प्रोफाइल के साथ में लिंक करना रहेगा और उसके बाद में आपको अपडेट और मॉडिफाई IEC पे क्लिक करना रहेगा। उसके बाद में आप आपका IEC एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी हो तो आप आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस या तो ब्रांच डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपकी प्रोप्राइटर डिटेल्स, पार्टनर डिटेल्स या डायरेक्टर डिटेल्स ऐड कीजिए। यदि आपको कोई भी चेंजेस करने हो तो आप चेंजेस करके अपडेट करके सेव कर सकते हैं। DGFT ने यहाँ सहूलियत दी गई है कि आप अपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आपको आपकी सर्विस प्रोफाइल चूज करनी रहेगी। आप कौन से सेक्टर में हैं वो सिलेक्ट करके आप सेव करके नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में आपको ऑनलाइन डिक्लेरेशन सबमिट करना रहेगा। ऑनलाइन डिक्लेरेशन डेट और प्लेस सिलेक्ट करके आप सेव कीजिए। यहाँ पे आपकी IEC एप्लीकेशन पूरी तरह से अपडेट हो गई है। आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन प्रीव्यू करने के बाद आपको डिजिटल सिग्नेचर या तो आपके EKYC आधार के सेंग के साथ में आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी रहेगी। आफ्टर आधार ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर के साथ में सर्टिफाइड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी IEC डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। IEC अपडेट होने के बाद आप कभी भी उसकी प्रिंटआउट ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ऐसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारी चैनल JBS Academy। थैंक यू। फॉर डिटेल्ड लर्निंग ऑन ऑल लॉजिस्टिक्स सब्जेक्ट्स विजिट www.logivader.com।